तो चलो बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये भी एक सस्ता सवाल है, बहुत ही सस्ता सवाल है। तो इस सस्ते सवाल में एक डिस्क है, और ये मैं प्यारा सा बहुत अच्छा मैं डिस्क बना दिया अपने हाथों से। तो ये एक अच्छा डिस्क है। इस डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम है और इसकी रेडियस आर है, अबाउट डायमीटर। चलो कोई भी डायमीटर ले लो। तो ये एक अच्छा सा मैं डायमीटर ले लेता हूँ। अगर इस डायमीटर के अबाउट अगर रोटेशन होता है, ओमेगा से अगर रोटेशन होता है, तो इसकी जो आई है तो वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई फोर, नॉर्मल टू द डिस्क पासिंग एज। अब कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर पे तो यहाँ दिया हुआ, ये पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन इट्स एज। ठीक है, तो डायमीटर पे तो दिया, लेकिन हमें डायमीटर पे कहीं यूज नहीं है, तो कोई बात नहीं। एक ऐसी एक्सिस मैं लेता हूँ, यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे ये जो डिस्क है, इसे सस्ते सवाल में इसका कोई यूज ही नहीं है यार। तो ये टेंजेंस के नॉर्मल है, तो इस एक्सिस पे मुझे पहले से रटा हुआ है कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू, और ये जो है सीएम वाली लाइन है, और ए बी एक्सिस पर अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो ये डिस्टेंस मुझे पहले से पता है आर है। तो ये अगर यहाँ से तुम देखोगे आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से तुम देखोगे तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई सी एम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू और प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब यह आ जाएगा थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू। अगर थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू ये फाइनल बनता है, तो इसको जाके कंपेयर कर दो, तो एक्स एम आर स्क्वायर बाई टू से कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी। तो ये एक सस्ता सवाल था। बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ देख लेना बच्चों, डाउनलोड कर लेना और इन्जॉय करना। ऑल द बेस्ट।